सोलन के निजी स्कूल में ऑनलाइन शिक्षा के दौरान पोर्न फिल्म चल पड़ी। जैसे ही ये फिल्म चली तो बच्चों ने इसकी सूचना अपने परिजनों को दी। परिजन भी इस घटना से सकते में आ गए। परिजनों ने इस बात की शिकायत स्कूल प्रबंधन से की। स्कूल प्रबंधन ने इस पर अब जांच बिठा दी है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिला सोलन का ये पहला मामला होगा जिसमें ऑनलाइन शिक्षा के दौरान पोर्न वीडियो चली है। फिलहाल चूंकि कहां और किससे हुई है इसके लिए जांच की जा रही है। आपको बता दें कि जब ये घटना घटी तब सातवीं कक्षा को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही थी। स्कूल की अध्यापिका जब बच्चों को पढ़ा रही थी तभी अचानक ये पोर्न वीडियो चल पड़ी। अध्यापिका ने तुरंत समझदारी का परिचय देते हुए ऐप को बंद कर दिया और इसकी सूचना स्कूल प्रशासन को दी। स्कूल के प्रधानाचार्य इजावेला इग्नेस संयोजक चंद्रशेखर शर्मा से जब इस घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें खेद है कि इस तरह की घटना ऑनलाइन शिक्षा देते समय घटी है, लेकिन वे घटना पर कड़ा संज्ञान लेने जा रहे हैं। जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार वे जूम ऐप छोड़ चुके हैं और गूगल ऐप पर वे स्कूल की ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि उनकी ऐप को हैक कर किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील वीडियो चलाई गई है ताकि स्कूल का नाम बदनाम किया जा सके, लेकिन वे इस घटना की गंभीरता से जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा पुलिस में लिखित शिकायत दे दी गई है जिसकी जाँच की जा रही है। About that, just a minute before I got the message, but I am yet to find out. I'll find out what is it, because otherwise our online classes never it happened. So first time I'll find out what is what. Sir, online class के चलते जैसे कि एक vulgar video का उपयोग किया और साथ ही साथ ये बात हमारे नोटिस में लाई गई है पेरेंट्स के द्वारा भी और कंसर्न टीचर के द्वारा भी, जो कि एक बहुत ही गंभीर विषय है। और यदि इसमें कोई छात्र ऐसा संलिप्त पाया जाता है तो स्कूल में जैसे ही हमारे नोटिस में आई है तो हमने इमीडिएटली इस पर त्वरित कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। अभी थोड़ी देर में ही हम इसके बारे में एक प्रबंधन के साथ मीटिंग भी बिठा रहे हैं और देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे ट्रेस आउट किया जाए। तो अगर ये साइबर क्राइम में बनता है तो हम डेफिनेटली वहाँ तक भी जाएंगे। पास्ट में भी हमने इस बारे में कई बार डिस्कशन किया और बच्चों को हम टाइम टू टाइम ओरिएंट करते रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर विषय बहुत गंभीर है और ये पता लगाया जा सकता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई बच्चा हमारा इसमें संलिप्त नहीं हो सकता। अगर कोई बाहर से कोई स्ट्रेंजर उस ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है तो उसके बारे में हम साइबर क्राइम की इसमें डेफिनेटली हेल्प लेंगे और उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। क्या वो साइट हैक हो रही है, क्या वो ऐप भी, हमने तो जूम को छोड़ दिया जैसे हमारे को गाइड किया गया, तो ये तो गूगल ऐप पे किया जा रहा था, तो अगर उस पर भी कहीं कोई साइबर क्राइम से और जो भी इसके ज़्यादा जानकार हैं उनसे हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो उनकी राय होगी उसके अकॉर्डिंगली हम जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको पकड़ने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि ये डेफिनेटली एक स्कूल रेपुटेशन के साथ जुड़ा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं स्कूल का नाम कोई हमारा अगर ख़राब करना चाह रहे हैं तो हम उसको बख्शेंगे तो नहीं।